वेलकम टू माय चैनल, दिस इज परनीत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईडियम्स। ईडियम्स को कैसे यूज करना है इन स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग देते टाइम अगर आप ईडियम्स को इनकॉर्पोरेट करोगे अपनी स्पीकिंग में, तो बिलीव मी गाइस, आप एक बहुत अच्छा बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो। बिकॉज जब हम इनको यूज करते हैं तो एग्जामिनर को ऐसे लगेगा कि हमने स्पीकिंग के कोई भी आंसर स्क्रैम नहीं किए, हमारी स्पीकिंग अपने आप फ्लो करेगी। बट एट द सेम टाइम एग्जैक्ट ईडियम को एग्जैक्ट सेंटेंस में यूज करना इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 10 इम्पॉर्टेंट ईडियम्स जो आप यूज कर सकते हो किसी भी पार्ट में, चाहे आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे हो, क्यू कार्ड्स, और इट्स योर फॉलो अप क्वेश्चंस। ये 10 ईडियम्स जो मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत कॉमन ईडियम्स हैं। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये ईडियम्स पता है, लेकिन आपको ये यूज करने नहीं आते। क्यों नहीं यूज करने आते? बिकॉज हम यूज टू नहीं है ना इनको यूज करने के। फाइन, हमें नहीं पता इनको कैसे सेंटेंसेस में यूज करना है। ये ईडियम्स अगर आप लर्न करोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे, तो बिलीव मी, जब आप अपना स्पीकिंग का प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप उसमें फ्लो करेंगे, अपने आप आपकी लाइंस में एडजस्ट हो जाएंगे। फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट ईडियम, दैट इज स्पीक एंड स्पैन। इसका मीनिंग क्या होता है? स्पीक एंड स्पैन इज सभी चीजें अच्छे से अरेंज होना, और एप्पल पाई ऑर्डर, सभी चीजें अच्छे से अरेंज होना किसी भी पर्टिकुलर मैनर में। तो हम इस ईडियम को कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आपको आपके टॉपिक्स आते हैं रिलेटेड टू योर रूम, रिलेटेड टू एनी शॉपिंग मॉल, रिलेटेड टू लाइब्रेरी, आपने कहीं पे भी विजिट किया, फाइन, कोई आंसर आए, क्यू कार्ड आया, तो आप, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्वेश्चंस आते हैं विच इज़ योर फेवरेट रूम इन योर हाउस, तो आप कैसे बोल सकते हो माई फेवरेट रूम इज माई ओन रूम बिकॉज ऑल द थिंग्स आर अरेंज्ड इन अ स्पीक एंड स्पैन मैनर, ऑल द थिंग्स आर अरेंज्ड इन एप्पल पाई ऑर्डर। फाइन, तो इन ईडियम्स को जैसे जैसे आप यूज करेंगे, आपकी स्पीकिंग इम्प्रेसिव होती जाएगी, आपकी स्पीकिंग एक बहुत ही अच्छा टर्न लेगी जो एग्जामिनर को डेफिनेटली फोर्स करेगा आपको अच्छा बैंड स्कोर देने के लिए। सेकेंड ईडियम इज पार्ट एंड पार्सल। ये ईडियम तो भी सभी को पता है पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग क्या है, लेकिन हम यूज नहीं करते। पार्ट एंड पार्सल आपके बहुत सारे स्पीकिंग टॉपिक्स में फिर से यूज हो जाएगा। जैसे आपको कोई आया गिफ्ट से रिलेटेड टॉपिक आया, तो हम उसमें कैसे यूज कर सकते हैं? विल गिफ्ट्स प्ले एंड पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरीवन्स लाइफ? टाइम प्ले पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरीवन्स लाइफ? सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इज लैंडर हैंड। लैंडर हैंड का मीनिंग होता है किसी को हेल्प करना। कोई किसी सिचुएशन में था, हमने उसको हेल्प किया। टॉपिक्स कैसे हो सकते हैं? किसी पर्सन के ऊपर टॉपिक आया, आपके फेवरेट पर्सन के ऊपर टॉपिक आया, फेवरेट फिल्म स्टार के ऊपर आया, फेवरेट एक्टर के ऊपर आया, तो आप, जैसे आपने अपने ग्रैंडफादर के ऊपर बताया, माय ग्रैंडफादर इज अ जेनरस पर्सनैलिटी, इज ऑलवेज रेडी टू लैंड अ हैंड टू द नीडी वंस। फाइन, इस तरीके से आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। फोर्थ इज एट एन इलेवेंथ आवर। एट एन इलेवेंथ आवर का मीनिंग क्या होता है? लास्ट मिनट पे, लास्ट मोमेंट पे आपको किसी की हेल्प करनी पड़े, ठीक है, तो हम इस ईडियम को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे आई हेल्प माई फ्रेंड एट एन इलेवेंथ आवर, और माई फ्रेंड शी असिस्टेड मी एट एन इलेवेंथ आवर। फाइन, देन इज कैसल्स इन द एयर। कैसल्स इन द एयर इज डे ड्रीमिंग करना। जैसे आपको टॉपिक आया चाइल्डहुड से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन पूछा, कोई चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, कोई क्यू कार्ड आया, तो आप उसमें क्या कह सकते हो? चिल्ड्रन ऑलवेज मेक कैसल्स इन द एयर। या फिर किसी को वॉर्न करना है, स्टॉप मेकिंग कैसल्स इन द एयर। फाइन, देन इज अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो होता है एक बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस, मीन्स हमारे साथ ही है। जैसे माई फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई प्लेस, लाइब्रेरी इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई प्लेस। ऐसे इस ईडियम को आप यूज कर सकते हैं, ये ईडियम बहुत काम आएगा आपके स्पीकिंग में। देन इज बेड ऑफ रोजेस। ये बहुत सारे लोगों को पता है, बेड एंड रोजेस एंड कप ऑफ केक हम अच्छे से यूज कर लेते हैं। इनका मीनिंग होता है इजी, कंफर्टेबल। जैसे लाइफ के ऊपर टॉपिक आया, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कप ऑफ केक,
दिस वॉज कप ऑफ केक फॉर मी, या फिर दिस इज नॉट माई कप ऑफ केक, कुछ भी किसी भी तरीके से जिसमें आप इसको इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकें. देन इज बर्न मिडनाइट ऑयल. बर्न मिडनाइट ऑयल इज बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया आपके एग्जाम से, तो एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक ही आपको आया, हार्ड वर्क से रिलेटेड आया. टू क्लियर माई एग्जाम और टू क्रैक आयल्स आई रियली अश्योरली बर्न मिडनाइट ऑयल. फाइन. देन लास्ट इज मेक माई माइंड. मेक माई माइंड का होता है कोई डिसीजन लेना, किसी चीज़ को प्लान करना. तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? सपोज आपको अपने फ्रेंड की किसी की हेल्प करनी थी, तो आई इमीडिएटली मेड माई माइंड टू हेल्प माई फ्रेंड. आई इमीडिएटली मेड माई माइंड टू टेक आयल्स. एट दैट मोमेंट आई मेड माई माइंड टू जॉइन द इंस्टीट्यूट. ऑल ऑफ अ सडन आई मेड माई माइंड टू गो देयर. इस तरीके से आप इन idioms को यूज़ कर सकते हैं अच्छे से. एंड अगर आप इनको यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छे से जाएगी. एंड तो ये idioms जब आप यूज़ करेंगे तो इट विल डेफिनेटली वर्क एज अ चेरी ऑन द केक फॉर यू. तो मैंने आपको एक और idiom बताया है, चेरी ऑन द केक. इस idiom का मीनिंग एंड यूसेज सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे इन द कॉमेंट सेक्शन. सो फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल. थैंक यू.